नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली न्यू ऑफिशियल में। जी फ्रेंड, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 भर्ती से निकले। जी फ्रेंड, देख सकते हैं 12th स्टेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आ चुका है, यानी फ्रेंड कैंडिडेट उनको मिल नहीं है। फ्रेंड देख सकते 12वां स्टेज यानी 12th स्टेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ चुका है। बहुत से कैंडिडेट जो स्टैंड बाय लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में, उनका वेटिंग लिस्ट के लिए हो चुका लगभग 142 कैंडिडेट जो फ्रेंड्स स्टैंड बाय लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट उनको बुलाया गया। 142 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट जो फ्रेंड्स क्लियर किया, बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है आरआरबी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पे, क्या है ऑफिशियल खबर, चलते हैं पूरा ऑफिशियल नोटिस के साथ। इससे पहले फ्रेंड चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह लेटेस्ट वीडियो को रेगुलर इंटरव्यू मिलते रहे। चलिए फ्रेंड चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की ओर। तो ऑफिशियल नोटिस देखने की सबसे पहले फ्रेंड्स को रेलवे रिक्रूटमेंट सेंट्रल रेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, यानी फ्रेंड्स आरआरबी मुंबई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना। जैसे ही आरआरबी मुंबई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो फ्रेंड आपको नीचे यहाँ पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा क्लिक किया टू व्यू एंड डाउनलोड नोटिस फॉर 12th स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी फ्रेंड 12th स्टेज का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरआरबी मुंबई के लिए आ चुका है। जो जो कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है। चलिए इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं क्या सब मेंशन किया गया पूरा डिटेल में। फ्रेंड्स तो देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि मैंने ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लिया, देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 12th स्टेज, यानी 12th स्टेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्लियरली किया द फॉलोइंग 142 स्टैंड बाई कैंडिडेट, यानी फ्रेंड्स स्टैंड बाई का मतलब वेटिंग लिस्ट, यानी फ्रेंड 142 जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट थे उनको फ्रेंड यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया, जो कि आपको 19 सितंबर से होगा, जो कि फ्रेंड्स 20 सितंबर तक चलेगा। लगभग एक दिन का जो डीवी आप लोग को होने वाला 19 से लेकर 20 सितंबर तक, उन्होंने कहा 142 कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट उनको क्लियर करके उन्होंने कहा कैंडिडेट टू नोट द मेयरली कॉलिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डर नॉट कन्फर्म एनी राइट फॉर देम इन अपॉइंटमेंट इन रेलवे, यानी फिर आप लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया तो ये नहीं समझिएगा जो आप लोगों को रेलवे जो अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए बुलाया गया, आपका डीबी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप लोग सारा कुछ चेक होगा, सारा कुछ डिटेल होने के बाद ही आप लोगों को कन्फर्म माना जाएगा। यहाँ पर देखिए द कैंडिडेचर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कॉन्डिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्योरली प्रोविजनल, यानी फिर जो जो कैंडिडेट बुलाया इनका जो कैंडिडेचर प्योरली प्रोविजनल बेसिस पर एंड रिवल टू बी कैंसिल एनी स्टेज, यानी कोई भी स्टेज पर इनको जो है कैंसिल कर दिया जा जाएगा। अगर कोई भी देखिए किस रीजन से उनको कैंसिल किया जाए तो यहाँ पर देखिए इनकंसिस्टेंसी डिफिशियंसी इन द डाटा फर्निस, यानी कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है या ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा या माल प्रैक्टिस में शामिल है या फ्रेंड्स आपको डीबार कर दिया चुका है। अगर कुछ भी नोटिस आता है वर्तमान में कि आप लोग कुछ फॉर्ज किए हैं या कुछ डीबार किया गया कुछ भी ऐसे किए हैं तो आप लोग जो कभी भी इसमें कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए लिस्ट हैज़ बिन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी आप लोगों को जो लिस्ट फ्रेंड असेंडिंग ऑर्डर में वहाँ पर नीचे अरेंज कर दिया चुका है, जो कि रजिस्ट्रेशन आईडी के हिसाब से, जो कि डेट वाइज है इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी मेरिट के हिसाब से किया गया जो आप लोग कब डीबी है सारा कुछ, जो आप लोग को डेट मेंशन किया किस कैंडिडेट है कब डीडी है सारा कुछ डिटेल वहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो लिंक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको जल्दी आरआरबी सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को जो लिस्ट डिफरेंस आप लोगों को देख सकते हैं सारा लिस्ट यहाँ पे अरेंज किया गया, डीबी डेट भी आप लोगों को उस हिसाब से दिया है कि आप लोगों को डीबी के लिए आना है। यहाँ पे देखिए 2 से 3 दिन की आपको जो फ्रेंड स्टे लेके आना, क्योंकि फ्रेंड डीबी के बाद उनको मेडिकल भी करवाना सारा कुछ उनको जो है प्रक्रिया तेजी से करना, तो उनको जो 2 से 3 दिन आप लोग अपना स्टे जो है रिक्वायर्ड आप लोग लेके आना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप लोग अपना लेके आइए, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया। यहाँ पे देखिए स्टे ऑफ 2 to 3 days कैंडिडेट हैव टू कम प्रिपेयर्ड विद नेसेसरी अरेंजमेंट, यानी अपना नेसेसरी अरेंजमेंट को 2 से 3 दिन का जो अपना व्यवस्था बना के चल सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर डेट ऑफ डीबी यानी कब आप लोग डीबी है सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ का डीबी डेट जो है फिर 19 सितंबर 2022 को, तो यहाँ पे देखिए लगभग इन कैंडिडेट को जो फिर 19 सितंबर को बुलाया गया, लगभग देख सकते हैं लगभग बहुत से कैंडिडेट में शामिल हुए हैं 19 सितंबर में इनको बुलाया गया, लगभग 71 कैंडिडेट को जो फिर देख सकते हो 19 सितंबर को बुलाया गया, फिर 72 जो इनका सीरियल नंबर 72 उनका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डी बी जो 20 सितंबर को बुलाया गया, जो 72 नंबर कैंडिडेट से लगभग 142 कैंडिडेट जो इनको जो फ्रेंड्स लगभग 70 के शॉर्ट में ये बुला रहा 70 कैंडिडेट को जो एक दिन डीबी लोग करवा रहे हैं और मेडिकल भी उस हिसाब से लोग करवाएंगे सेमेंटली जो फ्रेंड्स होगा। तो यहाँ पे देख सकते 142 कैंडिडेट के यहाँ पे डीबी लिस्ट है जिनका फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टोटल 142 कैंडिडेट, द कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू फॉलो एसओपी गवर्नमेंट, यानी जिस राज्य में आप जा रहे हैं जहाँ पे एसओपी फ्रेंड्स उसको जो है पूरा अच्छे से फॉलो करिए। यहाँ पे देखिए कल के डेट में ये नोटिस आप लोग को देखने को मिले 5 सितंबर 2022 तक, बहुत ही अच्छी खबर निकल कर फ्रेंड्स आरआरबी ग्रुप डी जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 वाले कैंडिडेट को फ्रेंड्स आप लोग जो धीरे धीरे देख सकते हैं स्टैंड बाय लिस्ट या वेटिंग लिस्ट जो धीरे धीरे आप लोग क्लियर होते हुए दिख रहा है। बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही, तो फ्रेंड धन्यवाद और नमस्कार फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही था।